जेडीयू से इस्तीफा देकर आरजेडी का दामन थामने वाली बीमा भारती को पार्टी ने पूर्णिया लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती ने बताया कि उन्हें पार्टी की ओर से सिंबल दे दिया गया। इसी के साथ बिहार की पूर्णिया सीट को लेकर पिछले कई दिनों से चल रहा संशय भी खत्म हो गया है। पप्पू यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस का दामन थाम लिया था। उन्होंने अपनी पार्टी का भी कांग्रेस में विलय कराया था। माना जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से पूर्णिया सीट पर दावेदारी का आश्वासन मिलने के बाद ही पप्पू यादव ने कदम उठाया था, इसलिए पिछले कई दिनों में कांग्रेस और आरजेडी के बीच पूर्णिया सीट को लेकर बातचीत ठनी थी। अब लालू यादव ने बीमा भारती को आरजेडी का सिंबल देकर पप्पू यादव का फेल पूरी तरह से खराब कर दिया। बिहार में पप्पू यादव का हाल ठीक उसी तरह हुआ जैसा पिछले चुनाव में कीर्ति आजाद का हुआ था। कीर्ति आजाद ने कांग्रेस का दामन सिर्फ इसलिए इस शर्त पर थामा था कि उन्हें दरभंगा से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि साल 2019 में उन्हें बिहार छोड़कर झारखंड से चुनाव लड़ना पड़ा था। अब ऐसे ही सवाल पप्पू यादव के लिए भी उठ रहा है। माना जा रहा है कि क्या पप्पू यादव भी पूर्णिया छोड़ देंगे या निर्दलीय रहते हुए चुनाव लड़ेंगे। पूर्णिया सीट पर आरजेडी में दावेदारी करने वाली बीमा भारती 3 अप्रैल को नामांकन कर सकती हैं। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। वर्तमान में बीमा भारती रुपौली से विधायक है जो हाल ही में जेडीयू छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई है। उनके आरजेडी का दामन थामने के बाद से ही पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की दावेदारी पर खतरा माने जाने लगा था।